वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, वी वी आर स्टडिंग यूनिट नंबर 2 फिजियोग्राफिक एंड ड्रेनेज ऑफ महाराष्ट्र पार्ट 5 एंड लर्निंग पॉइंट हैव कवर्ड इन प्रीवियस लेक्चर पॉइंट ए फिजिकल डिवीजन ऑफ महाराष्ट्र एंड पॉइंट बी मेजर रिवर इन महाराष्ट्र ईस्ट फ्लोइंग रिवर गोदावरी भीमा एंड कृष्णा वी वी आर स्टडिंग इन लेक्चर प्रीवियस लेक्चर नाउ टुडे वी हैव टू डिस्कस द वेस्ट फ्लोइंग रिवर फर्स्ट नर्मदा सेकंड तापी एंड थर्ड पायगंगा दीज आर दी थ्री वेस्ट फ्लोइंग रिवर वन बाय वन हैव थॉट द मेजर रिवर इन महाराष्ट्र वेस्ट फ्लोइंग रिवर नर्मदा तापी एंड पायगंगा दिस इज द मोस्ट थ्री इंपॉर्टेंट रिवर वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन महाराष्ट्र रीजन फर्स्ट नर्मदा रिवर द नर्मदा रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड द रीवा एंड प्रीवियसली ऑल्सो नोन एज द नर्मदा इट इज ऑल्सो नोन एज लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात फॉर इट्स ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात इन मेनी वेज नर्मदा राइजेस फ्रॉम द अमरकंटक प्लेटो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मेन पॉइंट है इसका कि नर्मदा कहाँ से राइज हुआ तो ये अमरकंटक प्लेटो से राइज हुए इन द अन्नपूर्ण डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश इट फॉर्म्स अ ट्रेडिशनल बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया अब नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया मीन्स ये देखो फ्लो कहाँ से कर रहा है ओरिजिनेटेड कहाँ से है ये मध्य प्रदेश से लेकिन हमारा जो महाराष्ट्र रीजन है महाराष्ट्र के जो नॉर्थ साइड में हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश आता है गुजरात है ये दो जो स्टेट है नेबरिंग स्टेट ये नॉर्थ साइड में और जो साउथ ईस्ट साइड में है वो क्या है छत्तीसगढ़ आ रही है और जो साउथ साइड में है महाराष्ट्र के साउथ साइड में हम अगर मैप पे देखेंगे तो ये यहाँ पर क्या आएगा कर्नाटक आएगा तो ऐसे ही जो नर्मदा रिवर है ये कहाँ है नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश से फ्लो कर रही है आप लुक एट दिस मैप यहाँ पर दिख रहे होंगे कि यहाँ पर जबलपुर है जबलपुर से ये फ्लो कर रही है यहाँ पर जो स्टेट्स हैं भोपाल है इंदौर है यहाँ पर महेश्वर है अमरकेश्वर है देखो सरदार सरोवर ये पूरी रिवर नर्मदा से ये पूरा फ्लो करके आ रही है और ये फ्लो करके कहाँ पर वेस्ट साइड में आते हैं तो वेस्ट साइड में महाराष्ट्र स्टेट जो है इसमें भी इंक्लूड होता है महाराष्ट्र स्टेट से इंक्लूड होकर ये कहाँ पर फ्लो कर रहा है ये ड्रेनेज कहाँ गिर रहा है डायरेक्टली अरबियन सी में ये क्या कर रहा है फ्लो कर रहा है तो देखिए यहाँ पे बताया है साउथ इंडिया एंड द फ्लो वेस्ट वर्ल्ड ओवर लेंथ अब उसकी लेंथ कितनी है 1312 किलोमीटर है इसकी जो लेंथ है और ये माइल कितना है इसका 815.2 माइल इसका क्या है ये माइल में रिकॉर्ड किया गया बिफोर ड्रेनेज थ्रो द गल्फ ऑफ खम्बात देखो गल्फ ऑफ खम्बात कहाँ पर आएगा जो अरबियन सी है अरबियन सी के पास क्या है गल्फ ऑफ खम्बात है इनटू द अरबियन सी 30 किलोमीटर वेस्ट ऑफ द भरूच सिटी ऑफ गुजरात गुजरात सिटी जो भरूच है वहाँ पर भी ये क्या करता है फ्लो कर रहा है दिस इज द नर्मदा रिवर द नर्मदा बेसिन हिम्ड बिटवीन विंध्या एंड सातपुरा रेंजेस देखो ये जो सातपुरा रेंजेस जो आ रहा है वो कहाँ पर आएगा ये महाराष्ट्र में अटैच है सातपुरा विंध्या सातपुरा रेंजेस एक्सटेंड ओवर द एरिया ऑफ 98796 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में एंड लाइज बिटवीन ईस्ट लॉन्जिट्यूड देखो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड आप लोगों ने इसके बारे में अच्छे से स्टडी की गई है तो जो नर्मदा रिवर है तो वो 72 degrees 32 minutes to 81 degrees to 45 minutes नॉर्थ के साइड से है ये क्या कर रहा है फ्लो कर रहा है एंड लेटीट्यूड 21 degrees to 23 degrees 45 minutes इन नॉर्थ एक्सट्रीमली ऑफ द दक्कन प्लेटो अब ये दक्कन प्लेटो कहाँ पर सिचुएटेड है टोटली जो है यहाँ पर जो दक्कन प्लेटो है वो महाराष्ट्र में है हम फिजियोग्राफिक ऑफ महाराष्ट्र में
थर्ड पार्ट जो पड़े हैं महाराष्ट्र प्लेटो में, तो वो महाराष्ट्र प्लेटो कौन सा है? टोटली दक्कन प्लेटो से फॉर्मेट किया गया, जो बेसाल्ट रॉक से क्रिएट किया गया है। तो यहाँ पर ये फ्लो करके आ रहे हैं। द बेसिन कवर लार्ज एरिया इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, जो नर्मदा का बेसिन एरिया है, लार्ज बेसिन एरिया, यहाँ पर आप लोगों को पूरा मैप शो हो रहा है। ये मैप पूरा इंडिया है, इंडिया में जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र गुजरात, ये पूरा स्टेट बताया गया है। अब देखो यहाँ पर जो स्ट्रीम्स है, तो ज़्यादातर जो मोस्टली है नर्मदा रिवर का जो मेन बेसिन एरिया है मध्य प्रदेश में 82% है, गुजरात में 12% है, कंपेरेटिवली स्मॉलर एरिया 4% इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में 4% एंड इनटू द 2% इन द छत्तीसगढ़। 2% कहाँ पर आ रहा है? छत्तीसगढ़ में। इन द रिवर कोर्स ऑफ द 1312 किलोमीटर एक्सप्लेन अबाउट, देयर आर द 41 ट्रिब्यूटरीज, कितनी ट्रिब्यूटरीज है इसकी? 41 ट्रिब्यूटरीज, आउट ऑफ विच 22 आर फ्रॉम द सातपुरा रेंजेस एंड द रेस्ट ऑन द राइट बैंक आर फ्रॉम द विंध्या रेंज। जो राइट बैंक है वो कहाँ पर सिचुएटेड की गई है? विंध्या रेंजेस में। द अपोलगढ़ 1003 मीटर है, नियर द पंचमरी इन द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द नर्मदा बेसिन। सेकंड जो मेजर रिवर है वेस्ट फ्लोइंग वो है तापी रिवर। द तापी रिवर इज द रिवर इन द सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया मीन्स जो हमारा इंडिया है, इंडिया में मध्य प्रदेश, ओके, मध्य प्रदेश जो है पूरा सेंट्रल एरिया में कवर्ड है। तो यहाँ पर सेंट्रल एरिया जो है बिटवीन द गोदावरी एंड नर्मदा रिवर विच फ्लोज वेस्ट वर्ड बिफोर द ड्रेनेज इन टू द अरबियन सी। जो गोदावरी है और नर्मदा रिवर, ये कहाँ पर फ्लो कर रही है? वेस्ट वर्ड मीन साइड में फ्लो कर रही है, सेम एज द तापी रिवर। तापी रिवर भी क्या है? वेस्ट वर्ड में फ्लो कर रही है। द रिवर हैज़ अ लेंथ ऑफ द 724 किलोमीटर, इट्स ओरिजिन इन द नियर मुल्ताई रिजर्व फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश। ये भी जो सेंट्रल इंडिया है, मध्य प्रदेश का जो एरिया है, मुल्ताई वहाँ से ओरिजिन किया है। फ्रॉम देयर इज द इंटायर महाराष्ट्र आर फ्लो थ्रू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ विदर्भा एंड खानदेश। अब देखो ये जो जब फ्लो कर रहा है मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश के नॉर्थ में क्या है? महाराष्ट्र के नॉर्थ में मध्य प्रदेश सिचुएटेड है। जब वो वहाँ से फ्लो कर रहा है तो महाराष्ट्र का जो ईस्टर्न पार्ट है विदर्भ, विदर्भ जिसको हम खानदेश भी कहा, विदर्भा एंड खानदेश, तो विदर्भा में क्या आएगा? नागपुर जो डिवीज़न है वो रहेगा। खानदेश में क्या आएगा? ये पूरा जो धुलिए है, धुलिए डिस्ट्रिक्ट्स जो आएगा, है ना, उसके बाद जलगांव आएगा, भुसावल आएगा, ये खानदेश डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ से क्या हो रहा है? ये रिवर फ्लो कर रही है, ये वेस्टर्न साइड आते हुए वेस्टर्न पार्ट में फ्लो कर रही है। फ्रॉम द वेस्ट महाराष्ट्र इट्स फ्लो इनटू द गुजरात। अब ये महाराष्ट्र से कहाँ फ्लो कर रही है? गुजरात की साइड में, मीन्स सूरत की साइड, वेयर इट्स माउथ इन द नियर साउथ। देखो यहाँ पर आपको मैप में शो किया जा रहा है, फोकस ऑन दिस मैप, यहाँ पर क्या है? महाराष्ट्र, सॉरी, मध्य प्रदेश से ये ओरिजिन किया है, उसके बाद विदर्भ से निकलता है, विदर्भ से खानदेश की तरफ आ रहा है, खानदेश से कहाँ गया है? गुजरात साइड में, जो सूरत एरिया में है, इसका मेन जो माउथ है वो सूरत में है। इट फ्लोज थ्रू सूरत एंड इट इट्स क्रॉस बाय द मगडाला ONGC ब्रिज। ये ब्रिज जो है वहाँ पर सिचुएटेड की गई है, नर्मदा तापी में आया है। सेकंड पॉइंट है आपका पायगंगा, जो लास्ट जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर वो पायगंगा है। द पायगंगा रिवर आल्सो नोन एज द पेनगंगा रिवर, इट इज़ द चीफ रिवर ऑफ द बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट। अब महाराष्ट्र में कहाँ पर आएगा ये? बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट एंड वाशिम डिस्ट्रिक्ट। ये देखो जो है एरिया जो ईस्ट साइड में है नागपुर, और जो खानदेश में आ रहे हैं जैसे
बुलढाणा हो गया, नांदेड़ हो गया, ये यहाँ पर सिचुएटेड है। एंड वाशिम डिस्ट्रिक्ट इन द महाराष्ट्र स्टेट इन द इंडिया। इट फ्लोज अलोंग द साउथ ईस्ट बाउंड्री ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन द वेडिंग मेंडरिंग कोर्स। इट इज़ द डीपली इंटरेंचेस एंड द एंड डिफिकल्ट टू नेविगेट। इट राइजेज इन द अजंता रेंज एंड इट इज़ द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द वर्धा रिवर, द अदर मेजर रिवर इन दिस डिस्ट्रिक्ट। इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड द मराठवाड़ा एंड विदर्भा एंड नियर अंबरखेड़। ये कितना पार्ट में डिवाइड किया है? मराठवाड़ा। मराठवाड़ा में क्या आएगा? मराठवाड़ा में औरंगाबाद आएगा, नांदेड़ आएगा, बुलढाणा आएगा, ये मराठवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से। विदर्भ में क्या आएगा? विदर्भ में जो है नागपुर है, नागपुर एरिया जो है वो विदर्भ में आएगा एंड नियर अंबरखेड़। अंबरखेड़ ये अलग डिस्ट्रिक्ट हो जाता है। दिस इज़ द पायगंगा रिवर एंड दिस इज़ द बेस्ट फ्लोइंग रिवर। वी हैव ऑल थ्री पॉइंट हैव कवर्ड। फर्स्ट बेस्ट फ्लोइंग रिवर में फर्स्ट क्या है आपका? नर्मदा रिवर, सेकंड तापी रिवर एंड थर्ड पायगंगा रिवर। थैंक यू।